बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए, हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है, एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है, और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं, कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है, हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए, इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस, इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो, सेंसिटाइज भी करेंगे, पुरानी चीजें याद भी करा देंगे और गति भी ला सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले